सिटी अपडेट के प्रायोजक हैं पीसी ज्वेलर्स, ज्वेलर्स फॉर जनरेशन। सोने और चांदी में जोरदार तेजी आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आई तेजी से घरेलू भाव भी उछल गया है। हालांकि कच्चे तेल में कमजोर कारोबार हो रहा है। यूरोप संकट से दुनिया में कच्चे तेल की मांग घटने की आशंका है। वहीं बेस मेटल्स में आज बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। एमसीएक्स पर कॉपर का भाव करीब 1% तक बढ़ चुका है। और खास बात यह है कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी कम हो गई है। इसके बावजूद बेस मेटल्स में तेजी जारी है। ऐसे में आज क्या करना चाहिए, ये बताने के लिए हमारे साथ है बोनांसा कमोडिटीज के विभू रतनधारा। विभू, हाय। सोने और चांदी में तेजी आई है, लेकिन कितनी टिकाऊ लग रही है ये तेजी और आगे जाते हुए क्या करना चाहिए? बिल्कुल, यहाँ पे ये जो तेजी आई है वो ज्यादातर यहाँ पे रदर दिन की तेजी है। बाउंस बैक ज्यादा लग रहा है मुझे, शॉर्ट कवरिंग ज्यादा लग रही है मुझे, जो कि हम पिछले दिनों में करीब करीब देखा था कि 1300 से 1400 रुपए की हमने यहाँ पे गिरावट देखी थी गोल्ड में विद इन अ वीक। तो उसकी मुझे यहाँ पे ज्यादातर बाउंस बैक लग रही है। हालांकि अगर इंटरनेशनल लेवल देखेंगे तो स्टिल $1600 को यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पा रहे, जो कि एक अहम रेजिस्टेंस बन रहा है मेरे हिसाब से। तो अगर इंटरनेशनली यहाँ पे $1600 ब्रेक नहीं करता है तो डेफिनेटली कि घरेलू मार्केट में भी एक हम सेल ऑफ देखेंगे। यहाँ पे रुपी का भी थोड़ा सा सपोर्ट मिला हुआ है। तो बिल्कुल ये जो एक तेजी है वो एज ए शॉर्ट कवरिंग लग रही है, रादर देन की एक तेजी की यहाँ पे रुख बन रहा हुआ। विभू, कच्चे तेल पर आपकी क्या राय होगी? कच्चे तेल में भी यहाँ पे और भी यहाँ पे डाउनसाइड ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो ग्रीस की जो प्रॉब्लम वो भी यहाँ पे सॉल्व होती हुई नहीं लग रही है। हालांकि जो एक यहाँ पे एक या दो जो फैक्टर काम करेंगे वो आने वाले दिनों में वीकेंड में G20 की मीटिंग है, और नेक्स्ट वीक में शायद ईरान और यूएस के बीच में एक मीटिंग भी होने वाली है जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी उसके लिए। तो आई थिंक ये दो चीज से ज्यादा हमें क्लू मिलेगा। बट अगर यहाँ पे हम ओवरऑल अगर सिनेरियो यहाँ पे देखेंगे तो स्टिल बेरिश ही लग रहा है, बिकॉज यूरोपियन यूनियन से हमें यहाँ पे कोई फेवरेबल नहीं मिल रही है। यूएस से भी यहाँ पे कोई स्टॉक्स अभी भी काफी बना हुआ है, यहाँ से डिमांड की यहाँ पे आसार नहीं लग रहा है। चाइना इज ऑलरेडी ऑन द स्लो डाउन साइड। सो जो आने जो सिनेरियो लग रहा है वो यहाँ पे बेरिश ही ज्यादा लग रहा है क्रूड ऑयल के लिए। आखिर में कॉपर पर आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी? वो बेस मेटल्स में भी यहाँ पे जो एक माउंट वो ज्यादातर तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग ही लग रहा है। हालांकि आज कॉपर में भी हमने करीब करीब 424-425 का लेवल देखा। देयर इज मोर लुक्स लाइक अ शॉर्ट कवरिंग ओनली। यहाँ पे और भी एक बात बन गया, तो एलएमई में इन्वेंट्री है वो चाइना से काफी शिफ्ट हुई है पिछले कुछ दिनों में, तो उसका भी यहाँ पे आने वाले दिनों में असर एक बार देखने को मिल सकता है फिर से डाउन साइड के। चाइना भी जो स्लो डाउन हो रही है उसकी हम इम्पैक्ट देख सकते हैं आने वाले दिनों में। यूरोपियन यूनियन स्टिल एक बेस मेटल्स को प्रेस सिनेरियो यहाँ पे मोर और लेस प्रेशर का ही बनेगा, रादर देन की यहाँ पे कोई तेजी बनेगी बेस मेटल्स में। चलिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आइए एग्रो कमोडिटीज पर फोकस करते हैं। दिन भर उठापटक के बाद चना वायदा आज भारी बढ़त पर बंद हुआ। एक्सपायरी के दिन सोयाबीन मई वायदा में भी भारी उतार चढ़ाव रहा। खास बात यह है कि मई के मुकाबले सोयाबीन जून वायदा का भाव करीब 300 रुपए के ऊपर है। इन सबसे अलग चीन के मई वायदा में आज तेजी आई और भाव 3000 रुपए के पार चले गए। हालांकि जून वायदा 2900 रुपए के पास बंद हुआ। साथ ही मेंथा तेल आज फिर 4% के ऊपरी सर्किट पर बंद हुआ। कल एग्रो कमोडिटीज में क्या करना चाहिए, बताने के लिए हमारे साथ हैं इंडिया निवेश के मनोज कुमार जैन। मनोज, चीनी में कल क्या करना चाहिए, 3000 रुपए के ऊपर मई वायदा बंद हुआ है? चीनी में हम देखेंगे पिछले कुछ ट्रेडिंग